एक और का लगा दो। हाँ वेरी नाइस। जान ननू तुम भी टॉर्च करो। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और आज का ब्लॉग जो है वो दोपहर से शुरू हो रहा है, 3 बजे का समय हो रहा है। तो मैं ना यहाँ पे जो है वो पूजा करने वाली हूँ। आज जो है वो तुलसी विवाह है, तो इसलिए एकादशी का दिन सुबह का नॉर्मल काम जो है वो हुआ है। और अभी मैं जो है वो बालकनी धुलने के लिए जा रही हूँ। काम सुबह भी हुआ था लेकिन अभी का काम जो है वो दूसरा तरह है। तो आप सबों को जो है जो जो एकादशी करते हैं उन सबों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बच्चों का खाना वाना हो गया है, इन लोग स्कूल से चले आए तभी मैंने सोचा कि ये काम जो है वो कंप्लीट करूँगी। खाना खिलाने के बाद वो टीवी देख रहे हैं, मैं अपना इधर काम कर लूँगी क्योंकि शाम होने में भी टाइम है, लेकिन मैं तैयारी करते करते हो ही जाता हूँ। आज मैंने इसे क्लीन कर दिया है और तुलसी जी को यहाँ ला दिया। वहाँ बहुत ना कंजस्टेड हो जाता है थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ा सा इधर ला के रख दी हूँ। और एकदम शाम होने ही वाला है। ये देखिए, काम करते करते मुझे 4-5 हो गया। बीच में मैंने सब्जियाँ भी बनाई थी, मैं सब्जी भी बना रही थी साथ ही साथ में। आलू चना का सब्जी बनाई हूँ और पूड़ियों के लिए मैंने जो है आटा गूंथा। पूड़ी केवल हम ही लोग खाएँगे, साहब को पूड़ी खाना बिल्कुल मना है इसीलिए। तो अब सारा काम हो गया है और साथ में मैंने ये बर्तन भी अभी कम्प्लीट किया है। मतलब जो अभी का समय का काम होता है ना वो कम्प्लीट हो गया, बस केवल मुझे नहाना है और पूजा कंप्लीट करना है क्योंकि तुरंत 5 बज जाता है, पता ही नहीं चलता इसीलिए। तो चले उसके बाद शाम को जो हम खाना और बनाना है, पूरी जो भी बनानी है, तो इसीलिए तो चले मैं नहाती हूँ नहा। और गाइज मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। इस साड़ी के साथ ना ये ब्लाउज मैच नहीं करता, लेकिन मैंने ना बहुत दिन के बाद ये ब्लाउज निकाला है। बहुत अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, ये मैंने ना बहुत दिनों के बाद निकाला है। इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा था और इतनी हड़बड़ी रहती है ना, आपको विश्वास नहीं होगा। 5 बज रहा है, मैंने बेटे से बोला है लिटरली कि नन्नी को तुम हेल्प कर दो थोड़ा सा, तो दोनों बच्चे मिलके जो है यहाँ पे ये करें। बाकी का मैं काम जल्दी से करने जा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में जो है ना पूरा जो है वो शाम हो जाएगा। मैंने ये बड़ी बिंदी लगाई है, एकदम आजकल ना बड़ा क्रेज चल रहा है बड़ा बिंदी का। मुझे उतना अच्छा नहीं लगता मेरे चेहरे पे, लेकिन सब बोलते हैं क्या कि बड़ा बिंदी से चेहरा जो है ना वो पूरा एकदम दिखता है कलर करके। और आगे वाला बाल तो पता नहीं कौन उड़ा के लेके भाग जा रहा है, मेरा बिल्कुल ही कम हो गया। वेरी नाइस। ये कुछ काम है हल्का फुल्का जो मैं कर दे रही हूँ, उसने मेहनत की थी लेकिन कुछ कुछ बचा हुआ था तो मैं कर ले रही हूँ कंप्लीट करके। अच्छा होता है जब कोई कर देता है ना कोई काम, तो मतलब खुशी होती है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, पिछले साल मैंने अकेले बनाया था, बाहर भी उसने बनाया, देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। गाइज़ मैंने पूजा शुरू कर दिया है क्योंकि शाम होते ही जा रहा था और मेरी मम्मी ने बोली थी वो कि जल्दी ही पूजा कर लेना, 3 बजे के बाद जब भी पूजा है तो कर लेना। संध्या के समय में तुलसी में ना जल नहीं दिया जाता है और कच्चा दूध भी चढ़ाना था, तो इसीलिए मेरी जो है ना वो हड़बड़ाहट थोड़ी सी जो है वो बढ़ी हुई थी। और 3 बजे के बाद कब शाम 5 हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता है, और हमारी तरफ भी संध्या जो है बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं सोची थी कि माता ना बहुत अच्छे से ये लाल कपड़ा जो है ना उनका एकदम जो है वो लपेट दूंगी, लेकिन हो नहीं रहा है, ये थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने उसको जो है वो धोती मतलब साड़ी नुमा जो है वो करके मैंने उसे उन्हें पहना दिया है।
मैं सारा सामान वहीं पिला के रखी थी और एक एक करके मुझे जो है केवल भगवान जी पे चढ़ाना था। दिन भर मैंने जो है ना वही सामान जो है वो रखा था। और शाम को पहले तो मैंने सोचा ना कि सुबह मैंने जैसे ही पूजा किया था तो वैसे ही कर दूँ, फिर मुझे लगा क्या कि नहीं संध्या समय जो है वो पूजा अर्चना होती है और माँ का जो है शुभ विवाह भी वही समय अच्छी मुहूर्त थी, तो मैंने बोला कि नहीं जो करूँगी शाम से। और आज तक मैंने जो है ना वो शाम को ही पूजा किया है। साथ में ना मंदिर में भी आज तुलसी विवाह का कार्यक्रम था तो मैंने बोला कि यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद, क्योंकि वहाँ का जो प्रोग्राम था वो 5 बजे के बाद ही था, तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ जाके देखूँगी कि कैसे होता है। थोड़ा थोड़ा जो है ना जानकारी भी होता है, नॉलेज भी होता है कि कौन क्या जो है करता है। वैसे मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थे वो सब ने जो है वो अभी शाम को ही पूजा किया था और उन्होंने बताया भी था कि पूजा करते समय आपको जो है वो क्या क्या सामान जो है वो चढ़ाना है। मैं यहाँ भगवान जी को ना श्रृंगार चढ़ा रही हूँ, साथ में कुछ फल फूल भी रखा था। बहुत छोटा, देखने से तुलसी जी बहुत बड़ा लगता है तुलसी पिंडा, लेकिन है बहुत छोटा सा, मतलब एकदम जो है ना उस पर जो आप ज़्यादा सामान वहाँ रख नहीं सकते हो। बहुत लोगों का ये भी मानना होता है ना कि जिन जो तुलसी जी ना खुद जो है जिनके गमले में जैसे मंजरी होती है ना उनकी, उससे अगर तुलसी जी हुई हैं नहीं तो उन उसी का जो है वो विवाह कराना चाहिए, मतलब तुलसी विवाह कराना चाहिए। और जो बाहर से, जैसे मैं ना गर्मी छुट्टियों में घर गई थी तो हमारी तुलसी जी जो है वो नहीं मतलब रही थी, तो मैंने ना जो है वो फिर से खरीद के लाया तुलसी जी, तब ये जो है इतना बढ़िया। पिछले साल जो था मेरा मंजरी से ही जो है वो तुलसी जी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं हर साल करते आ रही हूँ। कम से कम एक लाल कपड़ा, कलावा और ये सब तो जो है श्रृंगार का सामान भगवान पे रखना ही चाहिए। मेरा आज फास्ट नहीं था लेकिन मैंने पूजा की थी जो कि सिंपल जो है वो नहाने के बाद नए वस्त्र पहन के जो किया जाता है उसी तरह मैंने किया था। एकादशी मैं नहीं करती हूँ इसलिए, तो पूजा मेरा लगभग कंप्लीट ही हो गया है। और नन्नू अभी पता नहीं क्या हुआ, उसका सोने का टाइम है और वो सो नहीं रही है, जिसके कारण जो है ना वो बहुत जो है वो चीखे भी मार रही है। तो इसके लिए भी मेरी जो है पूजा थोड़ी जल्दी जल्दी चल रही थी कि जल्दी से कंप्लीट करके देखूं कि उसे क्या प्रॉब्लम हुआ है। गैस हमारी पूजा हो गई कंप्लीट। मैं यहाँ धूप दिखा दे रही हूँ और अभी दिया भी दिखाऊंगी और फिर सारे घर में जो है ना वो दीप जो है वो चारों तरफ जो है वो जला दूंगी। मतलब संध्या हो ही गया था और वैसे ही जो है वो आज तुलसी विवाह है तो दो दिए तो सब जगह जो है रखने ही होंगे। सबसे पहला एक दिया जो है वो घर के मंदिर में रखा मैंने।
यहाँ तो सुबह ही पूजा हो गई थी और मैंने कान्हा जी को ना 11 तुलसी के पत्ते भी चढ़ाए थे प्रसाद स्वरूप विद थोड़ा सा शक्कर के साथ। और यहाँ भी भगवान ना बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं और बाकी जो है बाहर दिया लगा देते हैं। बाहर भी ना निकू ने जो है वो दो रंगोलियाँ बनाई थी, छोटी छोटी रंगोली, तो उस पर थोड़ा सा जो है वो फूल और दिया दोनों ही जो है वो बाहर लगा देती हूँ और एक एक जो है वो दोनों बालकनी में रख दूँगी। तो हम खड़ा करके कुछ तुलसी भी बड़े काम आती है। बिल्कुल शाम हो गया है, आप देख सकते हैं लाइटें भी जो है वो जल गई हैं और दिया भी जो है बिल्कुल जगमगाने लगा। मेरे साथ दो तीन जन जो है वो पूजा बालकनी में ही कर रहे थे यहीं पे। और देखिए कितना खूबसूरत लग रही है माता जो है, जिसको जो है वो सुंदर एकदम खूबसूरत लाइट से भी बहुत अच्छा जो है ना उनका एकदम रूप निखर के आ गया है। गाइज़ हमारी पूजा हो गई कंप्लीट और टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, 6:45 हो रहा है, मतलब पूरा अंधेरा ही हो गया है हमारे यहाँ। देखें और चंदा मामा भी आ चुके हैं, वो रहे चंदा मामा, ये पूर्णिमा भी एक दो दिन में आ ही जाएगा, तो चंदा मामा भी बड़ा खूबसूरत दिख रहे हैं अभी साल की तरह। और हर साल की तरह इस साल भी जो है हमने जो है अपना पूजा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग थोड़े से जा रहे हैं पटाखा छोड़ने के लिए, है ना पटाखे? हाँ बिजी दो। हाँ पटाखे छोड़ेंगे और जल्दी से जो है वो खाना बनाएंगे, अभी पूरियां बनाएंगे तुरंत और फिर पनीर चाहिए मेरे को। पनीर की सब्जी नहीं है, आलू और चने की, आलू और चने की सब्जी बनाए, आलू और चने की। इस तरह देखो कितना ब्लर फोटो आ रहा है, इससे मत लिया कर दो। पटाखे छोड़ने हैं अभी, और हम लोगों को यहाँ पे पूजा करने के बाद ना ये जो गन्ना जो चारों तरफ से लगी हुई है ना मड़वा के स्वरूप जो मैंने चढ़ाई थी, उसे अभी जो है ना वो पानी मतलब डाल के और निकाल भी लेना है पानी ढार के, इसलिए क्योंकि हम लोगों को एकादशी में केवल कम से कम एक जो है वो एक खाना ही रहता है, मतलब ये गन्ना जो है वो खाना ही रहता है। तो अभी मैं पूजा कम्प्लीट जब हो गया दिया भी जला लेना, तो उसके बाद फिर मैं ये एक जो है एक ही निकालूँगी, बाकी तो सारा चीज़ जो है कल सुबह ही इसे उठा उठाएंगे। आज ये ऐसे ही का है, ऐसा ही रह रह जाएगा। कंप्लीट हो गया है, अब जा रही हूँ थोड़ा सा नीचे, ऊपर चढ़ जाना, जाओ ननू तुम भी जाओ बेटा, अपना क्रैकर लेके जाओ ऊपर, फिर इधर करोगे आगे आगे की तरफ, तुमको किधर करना, जाओ तुम भी करो, जाओ हाँ अपना वाला लो, कहाँ है तुम्हारा क्रैकर, जाओ ननू तुम भी टॉर्च करो, करो 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 ननू, किसी पे गिर नहीं ना रहा, हाँ इधर ही रखो, नहीं हो रहा, लाओ लो ननू, वेलकम, माची से उधर पड़ रहा है। मम्मी करो 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 जल्दी करो 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 लो पकड़ो नन्नू, इधर ना करना, उधर नीचे से करना, मेरी तरफ ना करना क्योंकि हाँ उधर कर लो, उधर कर लो, उधर 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 हाँ क्योंकि मेरे साड़ी में तुम लोग दाग लगा,
छिटका लगेगा। छोड़ दो नन्नू, छोड़ दो तुम। हाँ भैया कर लेगा। गाइस चलिए खाना बनाते हैं, डिनर का समय हो गया और बच्चे जो है पटाखे छोड़ रहे हैं। उन लोगों को उधर ही छोड़ के मैं चली आई क्योंकि दो तीन और बच्चे आ गए थे, तो मैं जो है सब्जी बिल्कुल पहले ही बना दी थी। आटा भी मैंने मल के रख दिया था, थोड़ा कड़ा ही सानी थी। अभी मैं ऐसे ही मल के उसको सॉफ्ट कर दूंगी आटा, ताकि वो जल्दी जल्दी जो है वो पूड़ियाँ मैं जो है वो बनाते जाऊँगी और तुरंत अभी खाना भी उन लोग को दे दूँगी। 7:30-8 का समय हो रहा था, तो मैं बोली कि नन्नू जो है वो सो ही नहीं थी, और अगर उसको छोड़ देते ना थोड़ा सा भी तो वो सो जाती, फिर वो रात में नहीं खाती, उसको ना 4 बजे सुबह फिर भूख लगता है, तो फिर वो जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है 4 बजे सुबह का। इसलिए मैंने सोचा क्या कि अभी कंप्लीट करती हूँ इसका खाना। आज तुलसी विवाह के दिन हम लोग तवा नहीं चढ़ाते, मतलब रोटियां नहीं पकती मेनली, तो सुबह भी मैंने जो है वो चावल नहीं बनाया था, आज राइस भी नहीं बनाई थी, तो इसीलिए जो है वो पूरियां ही दोनों को तल के जो है वो खिला दूँगे। सुबह में भी यही किया खाए थे दोनों, और अभी की जो है सब्जी बिल्कुल आलू चने की सिंपल सब्ज़ी बनाई है, साथ में एक मीठा चीज़ होता लेकिन मिठाइयाँ थी रखी हुई, तो मैंने बोला कि वो जब तक ख़त्म नहीं होते ना तो खीर बनाने से और वो बचा ही रह जाता। खीर में चावल पड़ता है जिसके कारण खीर तो बनना ही नहीं था। मीठी सेवइयां का सोचे थे लेकिन फिर मैंने बोला क्या कि छोड़ देते हैं, मिठाई है एक तो उससे काम चल जाएगा। आपसे बातें करते करते मैंने पूरी छान ली है, खाना भी मैंने निकाल लिया है, अब बच्चों को दे देती हूँ, वो कंप्लीट करेंगे और मैं बाकी का सामान जो बिखरा हुआ है उसको धीरे धीरे करके समेटूँगे। निकू आ जा बेटा। गाइस पूजा कंप्लीट हो गया, खाना भी कंप्लीट हो गया सबका, अब मैं जा रही हूँ अपना ड्रेस चेंज करने के लिए, मतलब ये साड़ी। तो गाइज मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ना ये जो मौसम आ रहा है शरद गर्म का ना, उसे बहुत लोग जो है बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, गले का इन्फेक्शन वायरल जो चल रहा है, तो सब अपना बहुत ख्याल रख। प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अगर आप चैनल पे नए हो तो जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक जो है वो अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।